So hello guys, welcome back to my channel. This is Aditi and you're watching Hobo Traveler Official. आज का टॉपिक है लेट्स पैक माय ऑफिस बैग. सो मैं अभी तक वर्क फ्रॉम होम कर रही थी फुल जनवरी मंथ. सो मैंने अपने बैग जो है उसको एम्प्टी कर दिया था, उसमें कुछ नहीं है. सो अभी मैं अपना बैग पैक करूंगी क्योंकि कल से मैं ऑफिस जाऊंगी. एंड फॉर दैट जैसे इंटरनेट में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि व्हाट्स इन माय बैग. सो मैं व्हाट्स इन माय बैग तो नहीं बना रही हूँ, आई एम मेकिंग लेट्स पैक माय ऑफिस बैग, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं जनरली क्या क्या कैरी करती हूँ एंड इट्स काइंड ऑफ व्हाट्स इन माय बैग ओनली. सो इफ यू डू लाइक दिस वीडियो यू नो व्हाट टू डू. यू हैव टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट एंड डू वट एवर यू लाइक. यू कैन ऑल्सो डिसलाइक इफ यू वॉन्ट. इफ यू लाइक टू डिसलाइक दिस वीडियो यू कैन डू दैट ऑल्सो, आई डोंट माइंड. एंड लेट्स जस्ट नॉट मेक दिस इंट्रो अ बिग इंट्रो एंड लेट्स गेट डाइव इन टू द वीडियो. सो जो मैं पहले ऑफिस जाती थी तब मैं जो बैग कैरी करती थी वो है ये वाला बैग. दिस इज अ वेरी गुड लेदर, मतलब लेदर तो नहीं है, लाइक आर्टिफिशियल लेदर. तो जीत आर्टिफिशियल लेदर को क्या बोलते हैं? रेग्जिन. ये रेग्जिन का है. तो ये जो बैग है ये रेग्जिन का बैग है, ये लेदर का नहीं है. एंड इसमें 3 पॉकेट्स है, एक ये है, एक मेन कंपार्टमेंट है, एक शॉर्ट कंपार्टमेंट है. एंड इसमें अभी थोड़ा बहुत ही सामान है, जैसे पर्सेस है और मेरे ग्लासेस है जो मैं बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, फेस वॉश है और मेरा फेवरेट है पास. तो ये मैं चबाती रहती हूँ ऑफिस में बिकॉज मैं ज्यादा बाहर जा नहीं सकती हूँ इसके लिए. देन आई हैव डेटॉल का सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर और इसमें कुछ ऑफिस के नोट्स है क्योंकि मैं इसके पहले जो है मैं ट्रेनिंग में थी तो तब मुझे वहाँ पे नोट्स दिया था. तो और ये मेरा मास्क चेन है. सो हाउ मेनी यू गाइज यूज मास्क चेन मेरे जैसे, क्योंकि मैं ये इसको यूज करती हूँ क्योंकि मास्क जो है मेरे कान में बहुत दुखता है तो मैं उसी को यूज करती हूँ. और फिर यहाँ पे नैप्थोलिन है और एक ऐसा रिंग सा है, कुछ लोहे वोहे का रिंग है. और इसके पीछे में भी एक ऐसा कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ये है वी वॉश. और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पेन्स है और कुछ तो है, और यहाँ पे क्लिप्स है, हेयर क्लिप्स बस. और बाकी जो सामान था मैंने सब हटा दिया इस बैग से. तो अभी जो है अभी मैं फ्रेश लाइक न्यूली मेरे बैग को पैक करने वाली हूँ. सो यू गाइस विल नो कि बैग में क्या क्या है, मैं क्या क्या कैरी करती हूँ एंड मेरा बैग इवेंचुअली इतना हैवी क्यों होता है. सो दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन माय लाइफ फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय हस्बैंड, फ्रॉम एवरीबॉडी कि मेरा बैग इतना हैवी क्यों होता है जबकि मेरे बैग में कुछ रहता ही नहीं है. सो आज पता चल जाएगा कि वो इतना हैवी होता है. सो दिस इज माई प्यारा सा कबर्ट जो हम दोनों मिलकर शेयर करते हैं. और यहाँ पे मेरा ये वाला बैग रखा हुआ है. ये मेरे पुराने लैपटॉप का बैग है. तो लैपटॉप खराब हो गया, बैग मैंने बेच दिया, सॉरी लैपटॉप मैंने बेच दिया बट बैग मैंने रखा है. सो हम क्या करेंगे अभी इसमें जो है ना, दिस आई मतलब ये जो बैग है दिस आई ओनली हैव टू कैरी इन माय हैंड लाइक दिस.
या फिर इसको मैं सिर्फ ऐसे कैरी कर सकती हूँ। तो जब मैं ऐसे कैरी करती हूँ ना इसको, ये बहुत हैवी हो जाता है और ये रहता नहीं, ये ऐसा हो जाता है। फिर मेरा हैंड जो है वो ऑलमोस्ट पैरालाइज टाइप हो जाता है घर वापस आते तक। तो मैं उसको नहीं लूंगी। सो आई डू वॉट, आई पैक माई दिस बैग, इसमें बड़े बड़े सामान रहेंगे, एंड उसके साथ साथ आई पैक माई दिस स्लिंग बैग, ये वाला स्लिंग बैग। तो इसमें जनरली वॉलेट, फोन, सैनिटाइजर ये सब रहेंगे। एंड इसमें जो रहेगा, इसमें मेरा टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, मेरा थोड़ा मोड़ा जो सामान रहेगा छोटा मोटा वो सब रहेगा। सो आई शो यू कि इसमें क्या जा रहा है एंड इसमें क्या जा रहा है। सो लेट्स पैक। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये छोटे वाले बैग से। तो इसमें क्या क्या है, इसमें 5 रुपीज है और मेरा वॉलेट है। सो ये तो इसी में रहेगा, ये वॉलेट इसी में रख देती हूँ। एंड इसमें और ये दो पेंस भी चला जाएगा, एंड उसके साथ ये सैनिटाइजर भी चला जाएगा। एंड बस इतना अभी इस बैग में रखती हूँ। फिर आते हैं हम जो बड़े बैग। अब मैं बिना मेकअप का सामान के साथ तो मतलब ट्रैवल कर ही नहीं सकती। सो मैं एक मिनट मैं अपना ढूंढ लेती हूँ जिसमें मुझे मेकअप का सामान रखना है, छोटा सा पाउच, फिर मिलते हैं। सो आई थिंक मेरे ऑफिस बैग में कैरी करने के लिए ये वाला पोटली, आई होप आपको दिख रहा है, ये वाला पोटली इनफ रहेगा सामान लेने के लिए। तो इसको पैक करते हैं पहले। तो वैसे तो मैं मेकअप घर से करके जाती हूँ, मतलब इतना भी लेट हो रहा है, मैं मेकअप प्रेफर करती हूँ घर से करके जाना। एंड जो मैं इसमें ले जाऊँगी अभी से, मतलब करंट सिचुएशन में, तो इसमें मैं पहले डालूंगी ये स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक, और इसमें ये बड़ा वाला फोम, और इसके साथ एक रबर बैंड भी है तो ये भी जाएगा ये फोम। और मैं लेती हूँ ये मस्कारा, और इसके साथ मेरा फेवरेट सा लिपस्टिक भी है जो मुझे भी नहीं आया, और इसके साथ ये पॉन्ड्स का बीबी क्रीम भी जाएगा। ये जो स्टेक क्वालिटी का लिपस्टिक है ये भी, ये बहुत देर तक लास्ट करता है, लाइक दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बट ये लास्ट करता है, तो मैं ये यूज कर रही हूँ। और स्विस ब्यूटी वाला मैंने अभी लगाया है, ये दोनों लिपस्टिक का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो ये हो गया, और मैं इसके साथ लूंगी मेरा लैक्मे का इंस्टा लाइनर वाला लाइनर, और इसके साथ क्या लूंगी, और ये कॉम्पैक्ट, ये पर्पल से है, बी योर ओन BFF कॉम्पैक्ट विद SPF, तो ये भी जाएगा इसके अंदर। तो इसमें और जगह बचा नहीं है कुछ लेने के लिए, तो मुझे एक और ऐसा पोटली ढूंढना पड़ेगा। नहीं, लेट्स ट्राई, इसमें एक मॉइस्चराइजर लेना है। सो ये ब्लॉसम कॉचर का जो मॉइस्चराइजर है वो ले लेती हूँ, बट ये इसमें नहीं जा रहा है इसके अंदर। इसको ऐसे ट्राई कर देते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट पाउच मेरे ऑफिस बैग में जाने के लिए रेडी हो गया है। तो ये बस हो गया, इतना ही सामान ले जाऊंगी अभी से। आई होप आई सर्वाइव इन दिस स्मॉल छोटू सामने का पाउच, और मुझे कुछ वैसे चाहिए ना हो इन केस, वैसे तो नहीं चाहिए होगा क्योंकि अभी मास्क का सीजन चल रहा है, तो आई डोंट थिंक मास्क के सीजन में कुछ चाहिए, दिस विल बी एनफ फॉर मी। तो ये जो है ये मेकअप वाले पाउच में, ये वाला भी जाएगा, ये पता नहीं कैसे घुसेगा बट इसको घुसाना तो पड़ेगा। ये है मेरा फेस वॉश जो मुझे चाहिए कुछ ना, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो यहाँ पे ये लिपस्टिक को डाल देते हैं। तो ये हो गया, तो निकल रहा है, हो गया परफेक्ट। तो ये जो है ये मेरा मेकअप पाउच रेडी हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए इसमें, बस हो गया जितना सामान है, इसी में अदिति काम चलाऊँ। तो ये हो गया मेरा मेकअप पाउच। तो अब मैं इस एंगल में इसलिए आई हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा जो ये बैग है मैं इसमें क्या क्या सामान डाल रही हूँ। सो इसमें जो है पहले ये मेकअप वाला जो पाउच है वो जाएगा। सो जनरली जो लैपटॉप बैग्स है ना उसमें बहुत ज़्यादा सामान आप कैरी कर सकते हो नॉर्मल कोई भी बैग से, बिकॉज पहले जो है मैं एक बैग यूज़ करती थी ड्रेस बेरी का जब मैं होटल में काम करती थी। लाइक येस आई एम फ्रॉम होटल बैकग्राउंड, मैंने
डिप्लोमा किया है, तो मैं फ्रंट ऑफिस बैकग्राउंड से हूँ। तो मैं पहले जो बैग यूज करती थी ड्रेसबेरी का, उसमें बहुत सामान रहता था क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल सामान भी जाता था, मेरा ग्रूमिंग का सामान भी जाता था और फिर मेरा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स भी जाता था क्योंकि हमें वहाँ से यूनिफॉर्म मिलता था। बट देन हम जो लॉकर्स में, मतलब जो एम्प्लॉयज को लॉकर्स दिए हुए रहते थे, जो लॉकर्स में हम सामान अपना रखते थे, कभी कभी गंदा हो जाता था, तो हम अपने बैग में एक पेयर ऑफ सेट एवरी डे कैरी करते थे ताकि इन केस ऐसा कुछ इमरजेंसी हो गया, वी हैव कि हमारे पास बैकअप है कि हम वापस से एकोमोडेशन में या फिर घर में कहीं पर भी आ सकते। क्योंकि हमारे लॉकर में सब सामान रखते थे तो इसलिए हम कैरी करते थे। वैसे जनरली सब नहीं करते हैं, बट जो भी हम लोग एक साथ रहते थे हम सब करते थे। स्पेशली जो हमारे लॉकर की साइड में लॉकर्स होता था जो कि एकदम वॉशरूम के सामने ही होता था, इसलिए हम जनरली कैरी करते थे। इसलिए वो वाला बैग मेरा बिल्कुल सफिशिएंट नहीं था एंड उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप था तो मैं ये बैग यूज़ नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे मेरे लैपटॉप से बहुत प्यार है। उसके लिए मैंने अपना ये बैग को डेडिकेटेडली उसके लिए रखा था कि मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, इसमें मेरा बस मेरा सिर्फ मेरा लैपटॉप रहेगा उसके लिए। तो इसमें अभी मैंने मेरा मेकअप का जो पाउच है तो वो मैंने डाल दिया है। चार्जर इज वेरी इम्पोर्टेंट। मैं तो चार्जर भी कैरी करती हूँ और मैं पावर बैंक भी कैरी करती हूँ, तो ये चार्जर जो है ये चार्जर डाल दिया। अब मैं ये अपने ग्लासेस डाल रही हूँ क्योंकि कल से जो है मैं अपनी ग्लासेस भी यूज़ करने वाली हूँ, बिकॉज मैंने अपने ग्लासेस यूज़ नहीं कर रहे थे उसकी वजह से थोड़ा आँखों में प्रॉब्लम हो गया है। और ये पास और ये वी वॉश भी जाएगा मेरे साथ इसके अंदर। तो सॉरी गाइस, बीच में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया था, मेरा जो होल्डर है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, वो स्लिप हो कैसे नीचे आ रहा है, सो मुझे अपना सिचुएशन बदलना पड़ गया। तो अभी मैं ऐसे फ्रेम में ही कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो को एंड मैं आपको हाथ में लेके ही दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या डाला है इस बैग में। इसमें मैंने अभी तक तो इतना सारा सामान डाल दिया जो आपको बताया मैंने। डन द बॉटल, तो ये भी गाइस सब्सक्राइब, मतलब ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट ये जो बॉटल है ना, दिस इज माई फेवरेट से भी फेवरेट अगर बोल सकते हो तो वो है कि इसमें जो है ना पानी अगर आप गर्म डालोगे, जो टेम्परेचर में डालोगे वही टेम्परेचर 24 आवर्स तक रहता है। सो दिस हेल्प्स मी इन एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ क्योंकि मैं कभी है जो गर्म पानी पीती हूँ, कभी है एकदम ठंडा पानी पीती हूँ। मुझे गर्म अगर चाहिए तो गर्म ही चाहिए एंड ये मुझे लाइक मुझे इतना वो नहीं हुआ, इतना कॉस्टली नहीं पड़ा था। ये वैसे तो है 999 का, बट ये मुझे मिला था सेल में 600 का, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये चला गया इसके अंदर। मैं एक सिंगल पीस एक इनर वेयर अपने बैग में रखती हूँ फॉर यू नो गर्ल्स प्रॉब्लम एंड ऑल, तो वो उसकी वजह से मैं एक ये भी रखती हूँ इनर वेयर अपने बैग में ताकि प्रॉब्लम से अदिति दूर ही रहे। बिकॉज जब प्रॉब्लम मेरे पास आती है तो वो प्रॉब्लम इतना सा आती है, बट मेरे रिएक्शन की वजह से फिर वो इतना बड़ा हो जाता है मैसेल। तो मैं उसी लिए एक पेयर ऑफ इनर्स भी रखती हूँ मेरे साथ। और मैं कुछ भूल रही हूँ, हाँ, और सुबह मैं उसमें टिफिन बॉक्स रख लूंगी। तो हो गया कंप्लीट, आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ चाहिए। ओ मुझे अपना हैंकर चीफ भी चाहिए। तो जनरली मैं एक अपना मतलब क्लॉथ रखती हूँ ऐसे वाला जो कॉटन के हैं, तो एक ऐसे वाला क्लॉथ जो है वो भी रखती हूँ अपने बैग में ताकि कहीं पे मुंह धोना पड़ जाए या फिर कुछ हो जाए तो मेरे पास कुछ हो पोंछने के लिए अपना फेस। तो ये मैंने अपने बैग से निकाल के इसको वॉश करके इसको हेयर ड्रायर से ड्राई करके कबर्ड में रख दिया था कि जब नेक्स्ट टाइम ऑफिस जाऊंगी तब ये यूज करूंगी। तो कौन से है ये स्वीट, यू आर स्वीट परफ्यूम है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो मैं ये अपने बैग में कैरी। ये बहुत अफोर्डेबल है, मुझे 99 रुपीज में मिला है और इसका जो स्मेल है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं ये भूल गई थी
मेरा सनस्क्रीन रखना तो मैं ये भी रख लूँ, ये डर्माडॉग का है SPF 50, तो ये भी मैं ये दोनों भी डाल दूंगी। मैं जो इस बैग में डाला था सामान वो निकाल के इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, फिर मुझे एक ही बैग कैरी करना पड़ेगा। एंड आई डोंट नीड टू कैरी 3-4 बैग्स विद मी इन ऑफिस। ये वॉलेट भी मैंने एलन सॉली से लिया था, सो यू कैन सी कि ये बैग ऐसा है अंदर से। ये बहुत अच्छा, ये बहुत कॉम्पैक्ट, ये बहुत स्लीक भी है और ये बहुत मतलब अच्छा है। तो आई यूज दिस, ये बहुत कॉम्पैक्ट भी है, मतलब कहीं पर भी आ जाता है, कुछ आता है। और इसमें कुछ और था मैंने नहीं, और कुछ नहीं है। और जो मेरे एयरपॉड्स हैं तो ये इसका भी मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। ये बोर्ड का जो है, मैं ये नोटबुक और ये मेरा कॉपी, ये दोनों कैरी करने वाली हूँ मैं ऑफिस में। ये दोनों कैरी करती हूँ, ये मेरा ओल्ड बुक है, मैं ये फॉर रेफरेंस कैरी करती हूँ। ये मेरा न्यू बुक है, इसमें मैंने सब जॉट डाउन कर लिया है, तो जब तक इसमें से पूरा इसमें नहीं आ जाता तब तक इसको कैरी कर लूंगी। उसके बाद आई लीव दिस। एंड मैं भूल गई थी कि मैं एक क्लचर भी कैरी करती हूँ, तो ये क्लचर भी जाएगा। उसको मैं कॉपी के बीच में रखती हूँ। तो यू कैन सी ये बॉटल यहाँ पे आ गया, नोटबुक यहाँ पे आ गया, लैपटॉप पाउच में मेरे इनर्स एंड वो है, एंड आगे जो माउस रखने वाला जगह है वहाँ पे वो मेरा सामान वगैरह सब है। सो ये ऐसा ही बैग लेके जाने वाली हूँ, मतलब कल से मैं यही बैग लेके जाने वाली हूँ, जब मुझे रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वैसे बहुत रैंडम सा वीडियो था, मुझे लगा मैं बैग पैक कर रही हूँ तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं क्या क्या कैरी करती हूँ। एंड जो मेरे फ्रेंड्स के बहुत बड़े क्वेश्चन रहते हैं लाइफ में कि व्हाट डू आई कैरी इन माय बैग, कि मेरा बैग इतना भारी हो जाता है, सो दे शुड नो कि मेरे बैग में एक बड़ा सा वाटर बॉटल रहता है जो कि मिल्टन का है, एंड वही बहुत हैवी है, तो उसकी वजह से मेरा बैग इतना भारी होता है। सो दिस इज जस्ट द जस्टिफिकेशन ऑफ व्हाई माय बैग इज टू हैवी देन वट आई डू कैरी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यू नो वट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, शेयर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो अगर आपको अफोर्डेबल चीजें ही चाहिए, सो बाई अफोर्डेबल स्टफ ओनली, यू नो नीड टू बाई एक्सपेंसिव स्टफ जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग इन योर स्क्रीन ऑन एवरी मिनट। वही बाय करो जो चाहिए, बिकॉज इन दिस टाइम यू नो need to buy everything which has been sponsored or which has been marketing by the influencers and other artists। अगर आपको concern है तो आप खरीद सकते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप खरीद सकते हैं। इदरवाइज आई डू लिव जनरली ऑन माई अफोर्डेबल स्किन केयर, ऑन माई अफोर्डेबल थिंग्स। हाँ, मैं पैसे खर्च वहीं पे करती हूँ जहाँ पे, मतलब जैसे कि बॉटल हो गया, सो आई डू नीड अ बॉटल which solve all the purpose in life। So मैं ये गर्मी में भी कैरी कर सकती हूँ, ये मैं समर्स में भी कैरी कर सकती हूँ। सो आई डू इन्वेस्ट लाइक दिस। सो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टिंग, ट्राई टू इन्वेस्ट लाइक दिस। एंड ऑल्सो ये बहुत लॉन्ग हो गया, मेरा भाषण बहुत ज्यादा हो गया, सो डोंट वरी, मैं और भाषण नहीं दूंगी। आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो टेल मी वट यू लाइक इन माई बैग, कि मेरे बैग में आपको क्या पसंद आया। एंड ऑल्सो आप क्या खरीदने वाले हो जो मेरे पास है। माई इंडियन स्किन केयर ड्रॉयर नहीं देखा था वो भी देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यू कैन चेक दैट टू एंड यू कैन टेल मी कि जो सामान मेरे पास है उसमें से कौन सा आपके पास है एंड कौन सा आप खरीदना चाहते हैं। So bye and enjoy evening or morning or afternoon, जो भी टाइम पे आप ये वीडियो देखोगे। एंड बहुत जल्दी मैं कुछ व्लॉग्स भी लाने वाली हूँ, बट अभी ये ओमिक्रॉन के चक्कर में मैं नहीं ला रही हूँ। सो प्लीज बेयर दिस सिचुएशन विथ मी। एंड ओके बाय, बहुत हो गया, बाय।